ताकि बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएं, है ना, हाँ क्योंकि जी मेरे पास दादा, समय मैं तो बहुत होता नहीं है लोगों से बात करने का, लेकिन मैं आपके पास देर से सुनता हूँ, सुनता जरूर हूँ, ठीक है। हाँ मैं जी काम करूंगा, समय थोड़ा देर से मेरे पास समय होगा, पर मैं करूंगा जरूर, है ना। हाँ अच्छा जी ये दादा, बता, अभी देख हाँ तो जी मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ना, कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं दुनिया के सामने, है ना। हाँ मुझे जी तुम्हारे नहीं काम सही करता हूँ बात पर है। लोगों को नहीं पता मेरे बारे में इतना। अच्छा हाँ ये जी बता, दादा, जब तेरी बेटी, मैंने तुझे क्या तेरी बेटी की मृत्यु से पहले नहीं बता दिया था कि तेरी बेटी या तू मरेगी? हाँ जी हाँ, आपने पहले ही क्या बता मैंने दिया ये था नहीं मुझे, बता दिया था कि उसके ऊपर मारण है, तेरी बेटी झटका झेल जाएगी? आपने सब कुछ बता दिया था क्या मुझे, मैंने ये उसे नहीं मैं बताया बता था नहीं कि सकता हूँ। 2 से 3 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी? हाँ जी आपने बता दिया था, मैंने आपने बताया तो था कि, सब तू अपने कुछ मुंह से बता बता, दिया था, तू अपने मुंह से बता, बताया था कि नहीं बताया आपने था? सब कुछ बता दिया था कि एक 40 साल का पंडित है, सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा है और उस पर दो गड्ढे खोद रखे हैं, उनमें दो गुड़ियाएं बना के दाब रखी हैं ठीक है, और उन गुड़ियाओं पे वो क्रियाएं कर रहा है बैठ के। हाँ ठीक। अच्छा बेटी की बात बता, तो मुझे तू सारी जी चीज जानती है। मैंने तू हाँ तेरे जी से फोन मेरे पास जब आया था, ठीक है, अब क्योंकि हाँ मैं जी किसी की भी रिकॉर्डिंग बिना उसकी मर्जी के नहीं डालता हूं, तो उससे पहले बताता हाँ हूं कि भाई जी तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और कुछ चीजें हाँ दुनिया को जी जाननी भी चाहिए, ठीक है। तुम्हारा नाम ये सब मैं सही गुप्त बात रखता है। हूँ, है ना, क्योंकि तेरे से बहुत सारे लोग हैं जो भटकते हैं, है ना। हाँ जी हाँ तो जी मैंने बहुत बाबा जी सारे लोगों को ये बताया है, ठीक है, जैसे किसी के साथ समस्या होती है। अब हाँ मुझे जी ये बता, जब मैंने कहा था कि तेरी बेटी झटका झेल के जाएगी, ठीक है, हाँ जी हाँ मरण जी प्रयोग तुम पे, दोनों पे हुआ था, एक को मरना हाँ था, जी एक को मरना था, तू जाती तेरी बेटी, तो तेरी बेटी तेरी मौत ले हाँ गई। जी मौत होने हाँ से जी पहले नहीं बताया था, पहले ही बता दिया था बता आपने। दिया था ना, डंके की चोट पे नहीं बताया था क्या हाँ होगा, टाल नहीं हाँ सकता। पहले ही बता दिया क्या था मैंने आपने। ये नहीं कहा था कि ये जो हो समस्या, ये जो मृत्यु आ रही है, जो काल आ रहा है, ये टल सकता है, इसमें जो खर्च है केवल 2,000 रुपये तू मुझे भेज दे, उसमें काम हो जाएगा, हाँ जी लेकिन मैं अपनी जेब से जो पैसा लगाता वो काम नहीं करता तेरे लिए। हाँ जी वो 2,000 का प्रबंध नहीं तू कर पाई थी, याद है कि नहीं? हाँ जी कारण था, हो सकता है मन में कोई शंका है, कुछ भी जो भी आया हो, तो तुम बस ये एक है कि भटकते रहे हम, परेशान, तो दिमाग तुम काम ही किसी नहीं के कर यहां रहा गए, था किसके दादा। यहां गए थे तुम फिर? हम कहीं नहीं गए थे बाबा जी, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तुम किसी मंदिर गए हम थे बाद तो में रात को? जैसे हाँ हम वहां गए थे, ये हनुमान मंदिर में एक भगत बैठता है, उस भगत ने बहुत गलत किया हमारे साथ। देखा हो गया, मैं पता क्यों पूछ रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को के प्रश्नों के उत्तर मिले। कहने का हाँ अर्थ जी उस यह है भगत कि ने बहुत गलत किया और बहुत परेशान, उसने उसने कहा, उसने ही मार उसने, दिया। हाँ उसने जो है ना, वो देखो मरना तो, मृत्यु तो निश्चित थी, मरना मैं टाल सकता था। होता क्या है, तुम्हें लगा कि ये सही कर देगा। बहुत सारे लोग, भगत ऐसे बाबा बैठे हैं दुनिया में जो ये नहीं देखते, जो जिन्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा मेरी है। बहन की लड़की ये कहने लगी आपके वो 2,000 रुपये डाल रही हो है, और जो है ना भाई मैं एक फ्री वाला भगत बता देती हूँ, ये कुछ नहीं लेता, वहां चले जाओ, अच्छा, मतलब और उसने किसने उल्टा बताया, कर दिया। किसने बताया था? एक मेरी बहन की लड़की है उसने। अब मैं तो ये बताता हूं, तेरी बहन की लड़की ने कहा कि फ्री वाला भगत है उसके पास चले जाओ, हाँ जी ये बाबा दो हाँ हजार जी मांग रहा है, इसी बात से तेरे दिमाग में शंका पैदा हो गई थी? नहीं, मेरे दिमाग में शंका नहीं थी बाबा जी, मेरे पास ना पैसे मतलब मेरे पास थे 2,000 रुपये, मैंने आपको बताया था, लेकिन मेरे फोन में ना पेटीएम नहीं है, है तो मुझे मैं तेरी बात समझ गया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था। मैं ये नहीं कि तूने भेजे नहीं, वो देख खोया तो तूने अपना, मेरा तो कुछ नहीं गया। हाँ जी वो 2,000 रुपए सही की बात क्या है, औकात होती है, 2 लाख रुपए की भी कुछ कोई औकात औकात नहीं नहीं होती, तुझे होती, पता है मेरी क्रिया तो 1-1 लाख की कुछ होती है। नहीं, सही खैर, बात है बाबा जी। कहने का मतलब यह है, रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैंने बहुत सबसे सारे, यही कहा, मैंने कहा आपके अंदर ना अगर जरा भी लालच होता ना तो आप ये ना कहते कि भाई 2,000 रुपये नहीं, तो ज्यादा का इंतजाम कर, आपने कहा 2,000 ही दे दे तू। क्योंकि मैंने कहा कि मैं जो है, जो चीज तेरे तेरे पैसे की जो चीज लगा सकता हूँ लगा दूं, ऐसा नहीं, अपना हाँ हमारा जी धन खंडित है, नहीं लगा सकते किसी काम में। सही सही लेकिन बात, उसकी चोट तेरी बेटी ने झेली, बेटी चली गई, हाँ जी बाबा जी ठीक है, अब दुनिया में नहीं है। बहुत दर्दनाक मौत मरी है वो, चलो उस ऊपर वक्त वाला वो बोल नहीं पाई थी, उसकी शांत, जुबान बंद कर दी थी उस चीज ने। हाँ मैं जानता हूं, क्योंकि ऐसा ना, जिन पे बीतती है वो जानते हैं क्या हो रहा है, जी ये विद्या की गई।